यहाँ सबसे बड़ी गंदगी अगर कोई है तो वो बीजेपी की सोच है, वो नरेंद्र मोदी की फिक्र है, वो आरएसएस की आइडियोलॉजी। पहले इस गंदगी को साफ करना, इस गंदगी को साफ करना, और ये गंदगी को साफ मजलिस करेगी, मजलिस करेगी। 2019 में मैं तो फकीर हूं, झोला लिया चला जाऊंगा, बोले ना। अरे 2019 में मिस्टर मोदी सिर्फ झोला नहीं, झोले के साथ जमीन है, ये जानसारों की सरजमीन है, ये मुखलिसीन की सरजमीन है, ये औलिया अल्लाह की सरजमीन है। अगर दुनिया दुनिया कुछ भी कर ले, मेरा ईमान है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अल्लाह अपने आसमान से फरिश्तों को इस जमीन पर उतार कर मजलिस की हमारी हिफाजत कर लेगा। कोई करे या ना करे, अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा, ये मेरा ईमान है। हम किसी से डरने या घबराने वालों में से नहीं है, हम अपनी हक की लड़ाई लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। दुनिया देख लेगी, दुनिया देख लेगी। हर इलेक्शन में एक मिजाज बन गया, एक फितरत बन गई, अरे ये सीट जारी, अरे वो सीट खतरे में, अरे वहां ऐसा हो गया, अब के उन्हें जीत जा रहा, अब के इन्हों हार जा रही। अरे बाबा, मजलिस ऐसा नहीं आती। अरे इस पर बहुत बड़े बड़े हाथ हैं, बहुत बड़े बड़े बुजुर्गों का साया है, इस जमात पर बहुत नेक लोगों की दुआएं हैं। फोन करो जरा सामने रहो। अरे ये जमात ऐसे ही नहीं फैली, और इस इलेक्शन में भी कहूंगा, मजलिस सात नहीं आठ जीतेंगे। और ये भी कहूंगा कि लोग कह रहे हैं मजलिस टीआरएस का साथ दे रही है, हां दे रहे हैं, बराबर दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? एक हिकमत है, सियासत है। अरे आप नहीं समझेंगे, अगर आज अगर हम इसको छोड़ देंगे तो इन्हें किसके गोद में बैठ जाएगा? बैठेगा नहीं। अरे हमारी कोशिश है पकड़ के रखे हो, रुक, रुक, रुक। क्या नहीं करना? अरे आप समझो बात को, समझो। अगर छोड़ देंगे तो बैठ जाएगा, बैठ गया तो बीजेपी ताकतवर हो जाएगी, बीजेपी आ जाएगी तो तेलंगाना में भी बीजेपी की हुकूमत रहेगी। हम यह चाहते हैं कि रियासत में दो ताकतें नहीं रहना, दो ताकतें नहीं रहना। अगर बीजेपी रही, कांग्रेस रही, तो फिर एक मर्तबा कांग्रेस आ गई तो उसके बाद तो बीजेपी आएगी ना। इस वास्ते हम तीसरी कुव्वत को बाकी रखें, समझे समझे। अगर इन्हें अदब फायदे में नहीं रहा तो उसको, उन्हें अदब फायदे में नहीं रहा तो इसको, समझे। इसलिए सारार कहते थे ना, सियासत हमारे घर की। समझो समझो, बीजेपी को रोकना है, बीजेपी को आगे बढ़ने से रोकना है तो तीसरी कुव्वत का रहना जरूरी है। तेलंगाना के हर गांव, हर हरिया, हर जिले तक, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, सुन लो, इसको जिंदा रखो, पकड़ के रखो। मैं भी मानता हूं है, लेकिन इसको भी अदब फायदे में रखने का जादू हमारे पास है। क्या अदब फायदे में नहीं रहता? असेंबली में नहीं बोलता अकबर भाई, अकबर भाई, अकबर भाई? क्या अब नहीं बोल रहा असद भाई, असद भाई, असद भाई? अरे भाई समझो, सियासी फैसले सियासतदानों पे छोड़ दो। क्या यही कांग्रेस, क्या कर्नाटक में,
कुमारस्वामी को बीजेपी की बी टीम नहीं बोली? क्या यह राहुल गांधी नहीं बोले? फिर कर्नाटक के इलेक्शन के बाद वही बीजेपी के टीम से बी टीम से हाथ नहीं मिलाए? अरे इनकी आदत है। बहरहाल वक्त और हालात की नदाकत को समझिए। अब मैं और ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, पीछे से लोग बोल रहे हैं, अरे साहब आपने बटलर के बारे में कहा, चाय वाले के बारे में कहा, आपने पोटले के बारे में कहा। नहीं भाई, मजलिस के इस मुबारक जलसे में अब पाकिटों का जिक्र नहीं करता। सुनो इनको, अब फैसला आप करो, आपको करना है। बहरहाल वक्त और हालात का तकाजा है कि बीजेपी संघ परिवार का जवाब मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को न सिर्फ मजबूत करना है बल्कि कामयाब करना है। इंशाल्लाह मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन कामयाब होगी और आसमान पर सिर्फ पतंग ही पतंग, पतंग ही पतंग नजर आएगी। रुकिएगा, ये वाल्टा ये मुखम अकबर ओवैसी के दिल की धड़कन है ना, है ना? मेरा हदिया देना है, मेरी ताकत देना है, मेरी कुव्वत देना है, जोर रोचे में लग जाना, ऐसी आवाज। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन, मजलिस। बोलने का तो बोल दिए, क्या बोल दी? भड़काऊ भाई जान, शुक्रिया शुक्रिया हिंदी मीडिया, भाईजान बनाने के लिए शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इनका भी भाईजान हूं, मोदी का भी भाईजान हूं, योगी का भी भाईजान हूं, मोहन भागवत का भी भाईदार हो, बीजेपी का भी भाईदार हो, आरएसएस का भी भाईदार हो, विश्व हिंदू परिषद का भी भाईदार हो, बजरंग दल का भी भाईदार हो, सबका हो, राहुल तेरा भी भाईदार हो। बोला, हम बोलते बोल रहे ना, ऐ मीडिया देख, आज दिखाता हूं तुझे, बताता हूं तुझे कि सिर्फ हैदराबाद में अकबर ओवैसी बोलने वाला नहीं है, अकबर ओवैसी के साथ ये हैदराबाद भी बोलता है। सुन, मैं तुझे सुनाता हूं, मैं इनका भाईजान, तो ये मेरे क्या, मैं इनका भाईजान तो ये क्या, मोदी मेरा क्या, योगी मेरा क्या, आरएसएस मेरी क्या, बजरंग दल मेरी क्या? अब सुने, एक अकबर ओवैसी खत्म हो गया तो कोई गम नहीं, 1000 अकबर ओवैसी है शहर में। हमें मत छेड़ो, चाय वाले, चाय 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 बोल रहा है, हमको छेड़ मत। याद रख, इतना बोलूंगा कि कान में से पीप बहने लगेगा, खून निकलेगा। तुम मेरी आतिश नुआई का मुकाबला नहीं कर सकते। बड़े बड़ों को मैं तो बोलूंगा कि गूंगों को भी जबान देने वालों का नाम मजलिस है। आज हमसे मुकाबला, हम क्या करें? अरे तुमने क्या किया? बात करें कि चाय 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 चाय, हर वक्त वही डिमोनेटाइजेशन, ये चाय वो चाय, कड़क चाय नरम चाय, चाय चाय चाय, चाय की केतली चाय का पानी, चाय की पत्ती चाय का चूल्हा, चाय चाय चाय। ये वजीर आजम है या क्या है? अरे चाय वाला था,
अब वजीर आजम है, अरे वजीर आजम जैसे बन जाओ। इसलिए कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि एक फकीर था और एक बादशाह था। फकीर फकीर बादशाह हो गया, बादशाह फकीर हो गया। वो फकीर जो बादशाह हो गया उसके फैसलों में फकीरी फकीरली फकीरा पना नजर आने लगा। फकीरी फकीरला पना फकीरी में उसकी फकीरी में भी बादशाह नजर आने लगी। हम वो फकीर हैं। अरे आज हमसे मुकाबला, हमसे बातें। खबरदार खबरदार संघ परिवार खबरदार, आरएसएस खबरदार, चाय वाले खबरदार, गांधी खबरदार, बटलर खबरदार, सब खबरदार। 70 वर्ष से तुम बोलते आए, हम सुनते आए, हम सुनते आए। अब वो वक्त खत्म हो गया जब तुम बोलते थे हम सुनते थे, अब हम बोलेंगे तुमको सुनना पड़ेगा। किसी के पास जबान हो या ना हो, हमारे पास जबान है, हमारे पास जबान है, हमारे पास जज्बा है, हमारे पास खुलूस है, हमारे पास दियानतदारी है, हमारे पास इखलास है, हमारे पास बेबाकी वो जवाब मर्दी भी है। कोई बोले या ना बोले, हम बोलते रहेंगे, डरने या घबराने वालों में से नहीं। अरे तुम समझ रहे हैं कि हम डर जाएंगे? अरे जेल में डाल लो ये हाथों में हथकड़ियां। माँ गंगा बुलाई, बोले क्या गंगा साफ हुई? 7,000 करोड़ रुपया लगा, गंगा साफ नहीं हुई। मोदी गंगा के करीब जा और सुन माँ गंगा क्या कह रही है। माँ गंगा कह रही है कि मेरी गंदगी को छोड़ो, इसको छोड़ो, पहले सबसे पहले बीजेपी मोदी आरएसएस बजरंग दल मोहन भागवत की गंदगी को खत्म करो। यहाँ सबसे बड़ी गंदगी अगर कोई है तो वो बीजेपी की सोच है, वो नरेंद्र मोदी की फिक्र है, वो आरएसएस की आइडियोलॉजी। पहले इस गंदगी को साफ, इस गंदगी को साफ करना, और ये गंदगी को साफ मजलिस करेगी, मजलिस करेगी। 2019 में मैं तो फकीर हूँ झोला लिया चला जाऊंगा, बोले ना। अरे 2019 में मिस्टर मोदी सिर्फ झोला नहीं, झोले के साथ जमीन है, ये जानसारों की सरजमीन है, ये मुखलिसीन की सरजमीन है, ये औलिया अल्लाह की सरजमीन है। अगर दुनिया दुनिया कुछ भी कर ले, मेरा ईमान है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अल्लाह अपने आसमान से फरिश्तों को इस जमीन पर उतार कर मजलिस की हमारी हिफाजत कर लेगा। कोई करे या ना करे, अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा, ये मेरा ईमान है। हम किसी से डरने या घबराने वालों में से नहीं है। हम अपनी हक की लड़ाई लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। दुनिया देख लेगी, दुनिया देख लेगी। हर इलेक्शन में एक मिजाज बन गया, एक फितरत बन गई। अरे ये सीट जारी, अरे वो सीट खतरे में, अरे वहां ऐसा हो गया, अब के उन्हें जीत जा रहा, अब के इन्हों हार जा रही। अरे बाबा मंजलिस ऐसा नहीं आती। अरे इस पर बहुत बड़े बड़े हाथ हैं, बहुत बड़े बड़े बुजुर्गों का साया है, इस जमात पर बहुत नेक लोगों की दुआएं हैं। फोन करो जरा सामने रहो। अरे ये जमात ऐसे ही नहीं फैली, और इस इलेक्शन में भी कहूंगा मजलिस 7 नहीं 8 जीतेंगे।
और ये भी कहूंगा कि लोग कह रहे हैं मजलिस टीआरएस का साथ दे रही है। हां दे रहे हैं, बराबर दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? एक हिकमत है, सियासत है। अरे आप नहीं समझेंगे, अगर हम आज इसको छोड़ देंगे तो इन्हें किसके गोद में बैठ जाएगा? बैठेगा नहीं। अरे हमारी कोशिश है पकड़ के रखे हो, क्या नहीं करना? अरे आप समझो बात को, समझो। अगर छोड़ देंगे तो बैठ जाएगा, बैठ गया तो बीजेपी ताकतवर हो जाएगी, बीजेपी आ जाएगी तो तेलंगाना में भी बीजेपी की हुकूमत रहेगी। हम यह चाहते हैं कि रियासत में दो ताकतें नहीं रहना, दो ताकतें नहीं रहना। अगर बीजेपी रही, कांग्रेस रही, तो फिर एक मर्तबा कांग्रेस आ गई तो उसके बाद तो बीजेपी आएगी ना। इस वास्ते हम तीसरी कुव्वत को बाकी रखें। समझे? समझे? अगर इन्हें अदब फायदे में नहीं रहा तो उसको, उन्हें अदब फायदे में नहीं रहा तो इसको। समझे? इसलिए सालार कहते थे ना, सियासत हमारे घर की। समझो, समझो। बीजेपी को रोकना है, बीजेपी को आगे बढ़ने से रोकना है तो तीसरी कुव्वत का रहना जरूरी है। तेलंगाना के हर गांव, हर हरिया, हर जिले तक, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, सुन लो, इसको जिंदा रखो, पकड़ के रखो। मैं भी मानता हूं है, लेकिन इसको भी अदब फायदे में रखने का जादू हमारे पास है। क्या अदब फायदे में नहीं रहता? असेंबली में नहीं बोलता अकबर भाई, अकबर भाई, अकबर भाई? क्या अब नहीं बोल रहा असद भाई, असद भाई, असद भाई? अरे भाई समझो, सियासी फैसले सियासतदानों पे छोड़ दो। क्या यही कांग्रेस? क्या कर्नाटक में कुमारस्वामी को बीजेपी की बी टीम नहीं बोली? क्या यह राहुल गांधी नहीं बोले? फिर कर्नाटक के इलेक्शन के बाद वही बीजेपी के टीम से, बी टीम से हाथ नहीं मिलाए? अरे इनकी आदत है। बहरहाल वक्त और हालात की नदाकत को समझिए। अब मैं और ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, पीछे से लोग बोल रहे हैं, अरे साहब आपने बटलर के बारे में कहा, चाय वाले के बारे में कहा, आपने पोटले के बारे में कहा। नहीं भाई, मजलिस के इस मुबारक जलसे में अब पाकिटों का जिक्र नहीं करता। सुनो इनको, अब फैसला आप करो, आपको करना है। बहरहाल वक्त और हालात का तकाजा है कि बीजेपी संघ परिवार का जवाब मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को न सिर्फ मजबूत करना है बल्कि कामयाब करना है। इंशाल्लाह मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन कामयाब होगी और आसमान पर सिर्फ पतंग ही पतंग, पतंग ही पतंग नजर आएगी। रुकिएगा, ये वाल्टा ये मुखम अकबर ओवैसी के दिल की धड़कन है ना, है ना? मेरा हदिया देना है, मेरी ताकत देना है, मेरी कुव्वत देना है, जोर पोछे में लग जाना, ऐसी आवाज। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर।